टीएनपी न्यूज पर अपना बिहार देख रहे हैं, यहां पर मैं हूं आपके साथ जावेद अली। खबरों की शुरुआत करेंगे। बीजेपी ने हरीश सहनी को बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बनाया है। बीजेपी ने आज इसकी घोषणा की। उन्हें सम्राट चौधरी की जगह नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। सम्राट चौधरी को बिहार बीजेपी का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद से ही बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के लिए नए चेहरे के नाम की चर्चा थी और हरीश सहनी दरभंगा से है। उधर बिहार के बेगूसराय और पूर्वी चंपारण में एक एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं मुजफ्फरपुर में अपराधियों ने करीब 20 सेकंड में 20 राउंड फायरिंग कर पूरे इलाके में दहशत फैला दिया। बीते शुक्रवार सुबह अररिया में एक पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसी हफ्ते में एक थानाध्यक्ष की गोली मारकर हत्या हुई थी। लेकिन अपराध की इन गंभीर घटनाओं के बाद भी राज्य में सत्तारूढ़ महागठबंधन में शामिल राजद के नेता इन अपराधों की अलग व्याख्या करते हैं। वहीं राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने कहा कि रामराज कहीं नहीं है। बिहार के हत्याएं हुई हैं तो उसके बाद जिन लोगों ने हत्या की है उन्हें गिरफ्तार किया गया है, यही सरकार का दायित्व है। उन्होंने राज्य में बढ़ते अपराध के कारणों को गिनाते हुए कहा कि आज बेरोजगार चरम पर है, गैर बराबरी है। लोगों के मन में विज्ञापन के जरिए लालच पैदा किया जा रहा है, उसको हासिल करने का कोई जरिया नहीं है। वैसे हालात में अपराध नहीं होगा तो क्या होगा। उधर कैमूर में उत्पादक विभाग की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने दो शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि उत्पाद विभाग की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की है। उत्पाद अधीक्षक राकेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर एक ट्रैक्टर के तहखाने से 56 पेटी विदेशी शराब को जब्त किया गया है। वहीं दो तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। जब्त शराब की कीमत बाजार में 7 से 8 लाख रुपए बताई जा रही है। उधर बेगूसराय में गाड़ी लगाने को लेकर दबंगों ने अंधाधुंध फायरिंग करने का मामला सामने आया है। घटना सिंगौल थाना क्षेत्र के कैलाशपुर गांव की है। बताया जा रहा है कि युवक गाड़ी को घर के पास सड़क किनारे लगा रहा था, तभी उसके पड़ोस का युवक अपने भाइयों के साथ पहुंचा और गाड़ी लगाने से मना करने लगा, जिसको लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई। कहासुनी बढ़ने पर फायरिंग की और फायरिंग में घायल युवक को आनन फानन में स्थानीय लोगों ने घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। खबर बिहार के मोतिहारी से है, जहां पर चकिया थाना के महज 100 कदम पर एक इंजीनियर सह ठेकेदार को गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। चकिया डीएसपी सतेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि संवेदक को अपराधियों ने 2 गोली मारी हैं। गंभीर स्थिति में उसे निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। लोगों का कहना है कि मृतक कुख्यात के लिए ठेकेदारी भी करता था। हत्या के बाद मोतिहारी में ठेकेदारों की लेकर गैंगवार बढ़ने की आशंका बढ़ गई है। फिलहाल पुलिस आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है और बदमाशों की जांच में जुटी है। उधर बिहार में मत्स्यजीवी सहकारी संघ यानी कि कॉम्फेड के नेतृत्व में कैमूर और रोहतास जिले के समितियों के सैकड़ों मछुआरों ने दुर्गावती जलाशय पर खुली डाक से बंदोबस्ती पर रोक लगाने के लिए एक दिवसीय जल संग्रहालय धरना दिया, जिसकी अध्यक्षता रामपुर प्रखंड के मत्स्यजीवी सहयोग समिति लिमिटेड के मंत्री रामनाथ प्रसाद मल्ला और संचालन चंद्रशेखर निषाद ने की। इस दौरान मछुआरा समाज के लोगों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ अपने हाथों में बैनर, पोस्टर और तख्तियां लेकर जमकर नारेबाजी की। बता दें कि इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में बिहार राज्य मत्स्यजीवी सहकारी संघ के प्रबंधक निदेशक ऋषिकेश कश्यप भी पहुंचे। उन्होंने बताया कि राज्य के जलाशयों की नीतिश सरकार की तरफ से खुली डाक से बंदोबस्ती की जा रही है, जिसके खिलाफ हम लोग यहां पर जल संग्रहालय एक दिवसीय सत्याग्रह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ये कैसा रोजगार सृजन कर रही है कि मछुआरों से पारंपरिक रोजगार छीनने का काम किया जा रहा है। उधर बिहार के स्वतंत्रता संग्राम में जयप्रकाश नारायण के योगदान के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। वह बिलक्षण प्रतिभा के धनी थे। भारत लौटने पर उन्होंने उस वक्त स्वतंत्रता संग्राम में कूदने का फैसला कर लिया जब उन्होंने पटना में मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की यह लाइन सुनी, जिसमें उन्होंने कहा था कि नौजवानों, अंग्रेजी शिक्षा का त्याग करो और मैदान में आकर ब्रिटिश हुकूमत की ढहती दीवारों को धराशायी करो और ऐसे हिंदुस्तान का निर्माण करो जो सारे आलम में खुशबू पैदा करे। आज भी जिनके नाम पर लोग राजनीति से लेकर अपनी पहचान देते हैं, उनकी गाँव की हकीकत कुछ ऐसी है कि आप भी देखकर सोच में पड़ जाए। देखिए ग्राउंड जीरो पर मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता चंदन कुमार चंचल ने। बिहार के बॉर्डर ये सिताब दिया पड़ता है। आपको बता दें कि आप रोड के इस पार ये जो देख रहे होंगे ये सिताब दिया है और ये सिताब दिया लोक नायक जयप्रकाश नारायण के गांव है और उनके गांव में देखेंगे तो आज भी लोग झुगी बस्ती में रहते हैं। उनको बता दें कि उनके नाम को पूरे विश्व में जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण की ये धरती है, उनकी गांव है, लेकिन आज उनके गांव में देखेंगे तो झुग्गी बरसरी आज भी देखेंगे हमारे कैमरा के माध्यम से। तो यहां पर गिराकर इनकी खुद की अस्याना नहीं है और सड़क के किनारे
अपना सियाना बिछाए हुए हैं और हमारे साथ यहाँ पे चाची हैं, उनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे और दिखाने की बात कोशिश करेंगे कि ये लोग कैसे रहते हैं। और आप हमारे साथ यहाँ पे चाची, आप लोग चाची कैसे रहती हैं यहाँ पे? आप लोग का घर अपना है कि या ऐसा ही? हमने के घर द्वार कुछ ना है, हमने के कमाएगा खाएगा ना, नौकरी चाकरी कुछ ना है, जगह जमीन कुछ ना है। हाँ तूर भी देता है तो गरीब आदमी कहाँ जाए, हमने के कोनो आधार नहीं थे, कोनो आराम नहीं थे। सरकार से कुछ मांग नहीं किया आप लोग? हमने के मांग कोई है, सरकार हमने के पाटा दिए है जमीन नहीं निकासा है। हाँ तो हम क्या करे सर, गरीब कितने दिन से है इस बांध से? यहाँ मना इनके 8 बरस से हो गए। ये गांव, ये तो जयप्रकाश नारायण का गांव है ना? हाँ। जयप्रकाश नारायण को जानती हैं आप? हाँ जानती हैं। उन्हीं के ये गांव में घर है ये? हाँ। तो उनका नाम पूरे विश्व में जाना जाता है, आप लोग पलानी क्या करे जब हमने के पूछो ये नहीं कहते का करे सर गरीब आदमी। तो आप देखेंगे कि ये जयप्रकाश नारायण के गांव है और इस धरती के पूरे विश्व में जाना जाता है। और हमारे साथ यहाँ पे कैसे आप लोग रहते हैं यहाँ पे झुकी बसरी गिरा के? उनका नाम तो पूरे विश्व में जाना जाता है, आप उनके गांव के रहने वाले हैं। तो क्या करे जा, कोई हम लोग का चिंता नहीं है, कोई हम गुण नाम के आदमी है, हम लोग का कोई ध्यान नहीं देता है, क्या करे जा। आप लोग यहाँ पे आप करते क्या? मजदूरी मिलता है तो मजदूरी करते हैं ना, तो यही तरह आप बांध पे घर बनाकर आप लोग गुजर बसर करते हैं, आकर कल हो कर प्रशासन हटा दे तो क्या करिए, तब कहाँ जाएंगे, मरेंगे, यही ना है। तो आप लोग कभी आवाज नहीं उठाए कि हम लोग जयप्रकाश नारायण के धरती से है, उनके गांव से है, सिताब दियारा से है, फिर भी हम लोग को कोई सुविधा नहीं मिलता है? आवाज तो कोई बार उठाए है, जाके तहसील पर कोई बार डेरा डाल ले तो बोलता है लोग, पुलिस दरोगा बोलता है कि दियाएगा दियाएगा, बाद कुछ नहीं है। तो आप देखेंगे साफ तौर पे हमारे कैमरा के माध्यम से कि ये जयप्रकाश नारायण की गांव है और उनके गांव में आपको आज हकीकत दिखाने का काम कर रहे हैं कि कैसे लोग गुजर बसर करते हैं। और ये लोग गरीब हैं, इनकी खुद की असियाना नहीं है और ये बांध के जरिए अपना खुद की एक पलानी खुशनुमा घर डालकर और ये अपना गुजर बसर करते। चाची ये कितना दिन से बनी यहाँ? 2014 का ढहल बन गया, यही जबानी जबान पहुंचे। कोनो यहाँ सुविधा सरकार की तरफ कुछ सरकार ना पाटा मिलल, पाटो मिल रहा होगा 5-6 साल, जमीन ना पाके होखता तो वो घड़ी ना पात रहे तो सुरेंद्र सिंह रोक लगा ना ना पाई, अब तो सरकार हमने के कुछ देखबे ना कोई लन, सरकार अब जात नहीं कौन। प्रकाश नारायण के नाम सुनले बने? जब प्रकाश नारायण के बना हो जाए दूर फाही उनकर यही गांव के नु बने? हां यही गांव के बड़ा। ये कौन गांव हटे? सिताब दिया ठगावा हो। अच्छा, इन गांव के वहां करे? हां हां, हमने के नौका टोला खाई जा। तो देखेंगे कि किस तरह यहां पे लोग अपना गुजर बसर करते हैं, हम सीधे इनके घर में दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह ये फूस के घर है, इनकी खुद की असियाना है, हमारे कैमरा के माध्यम से आप देखेंगे इनकी खुद के घर जो किस तरह ये लोग रहते हैं, गुजर बसर करते हैं। और यहाँ पे देखेंगे इनके घर जो है खुशनुमा है और इसी में लोग गुजर बसर करते हैं और अपना चूल्हा चौकी आप देखेंगे तो इनकी इसी में अपना यहाँ पे चूल्हा चौकी की जो सुविधा है वो करने के लिए रखी गई है। और हमारे साथ यहाँ पे महिला, आप लोग कितने दिन से हैं यहाँ? ना जी 7 बरस। पलानी में बारिश उरिश अब असल रहते हैं, जब चुगा तो अच्छा होता वही तरी बनी जगह कर जा, अब हमारे लिए दुख के बा बताए। सरकार आप लोग को कोई सुविधा नहीं? कुछ ना देलस, आवास है घर उठवा ही ना देलस, कुछ ना मिलल हमने। राशन उशन मिलता है? राशन मिले ला, हाँ थोड़ बहुत मिले ला राशन, अब देखते बड़े हमने के आवास का पैसा उसे नहीं मिला। प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि गरीबों को हम लोग उत्थान कर रहे हैं, उनकी आवास दे रहे हैं, कुछ ना मिलल हमने के, कुछ साफ मिलवे ना कल हमने के। गाँव कौन है? अठगामा हटे। हाँ सिताब दिया अठगामा। प्रकाश नारायण का नाम सुने? अब हम तो ना सुनू तनी, हम नया नौचर का सुनू तनी। अच्छा, आप ही के गांव के जयप्रकाश नारायण हैं जिनके विश्व में नाम लोग जानते हैं, तो फिर आप लोग को कोई सुविधा नहीं? ना कुछ नहीं है। तो देखेंगे कि जो महिलाएं हैं उनको कोई सुविधा नहीं दी गई है और उनकी ये खुशनुमा घर है। और आपको आपको बता दें कि ये घर से जो लोग रहने वाले हैं, जो गुजर बसर करने वाले जो महिलाएं हैं, वो देखेंगे यहाँ पे रोड पे बैठी हुई हैं और उनकी ये गांव है और गांव की उनकी हकीकत दिखाने के काम कर रहे हैं।
कि किस तरह सिताब दियरा में उनकी नाम को पूरे विश्व में जाना जाता है और ये हकीकत है उनके गांव के कि आज भी लोग खुशनुमा घर बनाकर रोड पे गुजर बसर करने के लिए मजबूर हुए हैं। लेकिन फिर भी सरकार एक तरफ दवा करते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं हमने हर गरीबों को उत्थान किया, उनको आवास दिया, उनको आगे बढ़ाने के काम किया, लेकिन उनकी जीते जागता उदाहरण है। अच्छा जी ये बताइए इंदिरा आवास मिलल बा प्रधानमंत्री आवास? हमने के कुछ आवास कभी नहीं मिलल। हां ना कोई नहीं मिलल ना, हमने कभी आवास नहीं मिलल। एकरा के यहां के मुखिया विधायक मुखिया प्रधान तक कुछ कहते हैं जे हमने के मिलते है नहीं का टका करेगा क्या बोलता है? लो बोलता है आएगा तो मिलेगा। अभी तक आई कोई सुविधा आप लोग को नहीं। गांव कौन है? सिताब दियर। तो देखेंगे ये सिताब दियर है कि तमाम जो महिलाएं हैं वो अपना आवृत्ति कहानी सुना रही हैं कि किस तरह इस खुशनुमा घर में बारिश हो या तूफान हो इसी में गुजर बसर करने के लिए मजबूर रहती है। और ये जय प्रकाश नारायण को आपको फिर बता दें कि ये जय प्रकाश नारायण की कुछ ही कदम पर यहाँ से उनका घर है और आज भी उनके गाँव के जो महिलाएं हैं गुजर बसर करने के लिए फूस के घर में मजबूर है, लेकिन सरकार के कान तक कभी इसकी आवाज जाता नहीं है। कैमरा पर्सन ज्योति के साथ चंदन कुमार चंचल, TNP न्यूज छपरा। उधर सैयद राजा नगर माँ काली की पूजा समिति की तरफ से पूजा संपन्न की गई, जिसमें माँ दक्षिणी भवानी माता की पूजा की गई। इस दौरान सैयद राजा नगर का भ्रमण कर सभी देवी देवताओं की पूजा अर्चना की गई। इसको लेकर मंदिर परिसरों में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखी गई। पूजा के बाद मंदिर में प्रसाद बांटा गया। माँ काली की वार्षिक पूजा स्थानीय ग्रामीणों की तरफ से धूमधाम से की गई। पूजा के दौरान समिति अध्यक्ष दिलीप अग्रहरी, मोहन अग्रहरी, लाल बिहारी, भगवान दास कश्यप समेत कई लोग मौजूद रहे। और इसी के साथ बिहार के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।